सिर्फ पराठे खाकर बॉडी बन जाएगी। काश कि मेरी भी बॉडी सिर्फ पराठे खाकर बन जाती, मगर नहीं, आई थिंक मेरे जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है। मेरी बॉडी सिर्फ पराठों से नहीं बनती है। भारत सिंह वालिया के डिस्क्वालीफाई होने के बाद मसल मानिया शो से ये बात काफी आग पकड़ चुकी, क्योंकि अब इसमें कूद चुके हैं साहिल खान। साहिल खान ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी में कई सारी पोस्ट शेयर की, जिसमें मसल मानिया द्वारा जो पोस्ट शेयर की गई थी डिस्क्वालीफाई के लिए भारत सिंह वालिया की, उन पोस्टों को साहिल खान ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया। प्लस एक बंदा आके यहाँ पास इंस्टाग्राम स्टोरी में साहिल खान के कहता है कि भारत सिंह वालिया डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, बाकी दुनिया भर की बातें कहता है। इसका वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। प्लस साहिल खान ने कई सारे वीडियो बनाए अपनी स्टोरी में डाले कि ये देखिए मैं नेचुरल खाता हूँ, ये देखिए मैं ये खाता हूँ, ये देखिए मैं वो खाता हूँ, मैं 46 ईयर का हूँ, यदि नेचुरल बॉडी बन जाती पराठा खाने से तो ये कर लेता वो कर लेता। प्लस साहिल खान ने मनोज पाटिल को भी इस विवाद में खींचा और मनोज पाटिल को कहा कि साला चंदुआ हो गया, साले के बाल नहीं है, अब वो नकली बाल लगा के भागता है। इसका कंप्लीट वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, इसलिए वीडियो कहीं भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट साहिल खान ने क्या क्या अपनी स्टोरी में शेयर किया वो सब चीज़ वीडियो हम लेके आ चुके हैं। प्लस आगे जो भी अपडेट मनोज पाटिल और भरत सिंह वालिया की तरफ से आएगी साहिल खान के लिए, सबसे पहले हम लेके आएंगे। प्लस साहिल खान और भरत सिंह वालिया के फैंस एक दूसरे को क्या कहे हैं, इसका वीडियो भी हम आपको वीडियो के एंड में दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साहिल खान ने क्या क्या बातें मनोज पाटिल प्लस भरत सिंह वालिया को कही हैं, प्लस यदि आप लोगों ने मनोज पाटिल और सिद्धांत जायसवाल का भरत सिंह वालिया को सपोर्टिंग वाला वीडियो नहीं देखा, जिसमें मनोज पाटिल ने फेक आइकॉन के विषय में भी कुछ बातें कही थी, तो वो वीडियो हम आपको इस वीडियो के एंड में थंबनेल लगा देंगे, जिसमें आप क्लिक करके डायरेक्ट मनोज पाटिल और सिद्धांत जायसवाल ने कैसे सपोर्ट किया और क्या क्या स्टेटमेंट दी है मसल मानिया शो से रिलेटिव के वीडियो में आप पहुँच जाएंगे। तो पहले हम सुन लेते हैं कि साहिल खान ने क्या कहा है। और इससे क्या होता है वो तो आपको बताइए, 100% नेचुरल है, 100% नेचुरल, 100% नेचुरल बेबी। ये है बहुत ही स्पाइसी पाए का सूप, ऊप्स, एस्पेरेगस एंड आलमंड। इससे क्या होता है वो तो आपको पता है, ये 100% नेचुरल है, इससे बॉयकॉट नहीं होता है, बैंड नहीं होता है आदमी। और दीज आर लैम चॉप्स, वेरी इंटरेस्टिंग, इससे बाल आ जाते हैं, बाल गिरते नहीं हैं। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो आपको पैच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और देश का नाम भी रोशन करना पड़ेगा। उसके साथ मेरा ब्रांड वर्ल्ड क्लास, सब जैसे हमने देश का नाम रोशन किया, 55 साल की हिस्ट्री में कभी भी मिस्टर ओलंपिया किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। बातें करते रहे, नाम सुनते रहे, ओलंपिया ओलंपिया ओलंपिया, लेकिन जेब से पैसे नहीं निकले और ना ही कोई स्टेज पर गया झंडा लहराने। तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे ब्रांड ने ऐसा किया, आप सबका प्यार है। और सब जानते हैं कि इस ब्रांड की वैल्यू इस वक्त 150 करोड़ हो गई है, और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ 2022 में आने वाली है, इंतज़ार करिए। हाँ, और ये है कि इसको लेने से, अच्छे वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट और वाइटमिन्स ब्रांड इस्तेमाल करने से ये होता है कि बाल पे पैच नहीं लगाना पड़ता है, बाल जो गिर रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्प होती है आपको। तो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करिए प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास। अपन खाता हूँ खाना और फेक सप्लीमेंट और These are really good lamb chops. Look at the meat quality. Soft and very, very tasty. इससे क्या होता है वो तो पता ही आपको, जो इस वक्त हो रहा है। If you don't know, now you know. काश कि मेरी भी बॉडी सिर्फ पराठे खाकर बन जाती, मगर नहीं, आई थिंक मेरे जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है। मेरी बॉडी सिर्फ पराठों से नहीं बनती है। क्या पराठों से सचमुच बॉडी बन जाती है? ओह, आई एम नॉट श्योर,
मेरे जेनेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत कुछ लगता है। पाए का सूप, आलमंड, बहुत कुछ, मेरी बॉडी तो ऐसी बनती है। सोच रहा हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लूँ, पैसे भी बच जाएंगे, सिर्फ पराठे खाकर बॉडी बन जाएगी 46 इयर्स में। मेरी बॉडी वैसे भी बहुत ख़राब है, नहीं पता नहीं, 46 इयर्स के हिसाब से तो जेनेटिक बहुत प्रॉब्लम है। ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए मुझे 100% नेचुरल वाली। तो दोस्तों अब हम आगे सुन लेते हैं कि भरत सिंह वालिया ने साहिल खान को इसका क्या रिप्लाई दिया है, और जो भी आगे अपडेट्स आएगी वो अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लेके आएंगे। तो पहले सुन लेते हैं कि भरत सिंह वालिया ने क्या कहा है साहिल खान को। ताऊ एक काम करे, स्क्रिप्ट वाला बिठा ले, तेरे वश की ना, रिपीट पर स्टोरी चलन लग रही है। Do something new, bro. Show me what you got. So, Musclemania America, Las Vegas में जो हुआ था last week, उसके results आ चुके हैं। उसमें बताया गया है कि 5 competitors थे, 3 males, 2 females, इनको disqualify किया गया because they tested positive for steroids, anabolic use. इसके अंदर हमारे भाई भी आते हैं, भरत सिंह वालिया भाई, who's a vegetarian and he used to claim natural on YouTube. बट उनके बारे में सबको पता ही था। द बैड पार्ट इज इनको गालियां पड़ रही हैं लोगों से, पीपल आर गेटिंग पर्सनल विद हिम। तो आप लोगों को पता नहीं है क्या कि हर बंदा जो कम्पीट करता है ही इज ऑन समथिंग। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द मसलमेनिया बॉडीबिल्डिंग शो जो हुआ वाज एनहांस्ड, एवरीवन वाज टेकिंग एनाबॉलिक्स। बस डिफरेंस ये है कि वो पकड़े नहीं गए एंड भरत भाई पकड़े गए। अगर आपको अटैक्स करने हैं, आस्क हिम टू स्टॉप कॉलिंग हिमसेल्फ नेचुरल। गालियां देने से कुछ नहीं होता है। एंड भरत भाई स्टे स्ट्रॉन्ग, अगर ये नहीं हुआ होता आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ लेके आते इंडिया के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड बी सेफ यू गाइस, लव यू ऑल। जय बोले कि भरत भाई जय श्री राम। तो भरत भाई यार ये फेक आइकन जो है इसके 10 मिलियन फॉलोवर्स थे कुछ दिनों पहले, तो इसने आपसे पंगा लेके ना बहुत बड़ी गलती करी है। आज से पहले भी इसने इंडिया के काफी एथलीट्स के बारे में काफी कुछ बोला है, तो बावजूद इसके हम इसे फॉलो करते आ रहे थे, अच्छा बिजनेसमैन समझ के फॉलो करते आ रहे थे, इससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही था, लेकिन आज तो इसने हद कर दिया। इसने एक ऐसे साफ दिल के व्यक्ति के बारे में गलत बुलवाया, खुद तो बोलने की इसकी हिम्मत है नहीं, दूसरे बंदों से बुलवाता है, तो यार गलत है यार। तो इतने अच्छे दिल के साफ आदमी के लिए अगर ये एथलीट जो विदेशों में जाके नाम रोशन करके हमारे देश का आ रहे हैं, अगर इसके दिल में आप लोगों के लिए ऐसी भावना है, तो यार मेरा तो एक कदम ये होगा कि इसका तो कोई प्रोडक्ट आज से यूज करना ही नहीं है मैंने। दूसरा, आज मैं इसे अनफॉलो भी करने वाला हूं। ये मैंने इसे कर दिया अनफॉलो, ये अब मेरे लिए वो बन गया फेक आइकन। मेरा तो दिल से सपोर्ट भरत भाई आपके साथ है, पहले से था, आपको मैं पहले से मानता हूं, और ऐसे फेक आइकन ये तो साले अब 9.7 हो गया ना, धीरे धीरे 9 भी होगा, 8 भी होगा, साला 0 पे आएगा ये। इसकी तो कोई रिस्पेक्ट पहले भी नहीं थी, ठीक है आज भी नहीं है। फॉलो कर रहे थे, कुछ चीजें इसके अंदर अच्छी लगती थी, अब इसे अनफॉलो कर दिया भरत भाई आपके लिए, और भी लोग करेंगे। जय श्री राम भाई, आपका फुल सपोर्ट करूंगा मैं, थैंक यू। तो दोस्तों साहिल खान ने भरत सिंह वालिया और मनोज पाटिल को क्या कहा इसकी बातें सुना दी, प्लस भरत सिंह वालिया ने क्या रिप्लाई किया साहिल खान को ये भी हमने सुना दिया, एंड साहिल खान और भरत सिंह वालिया के जो फैंस है, सपोर्टर है, उन्होंने क्या कहा है अपने अपने फॉलोवर को, मतलब कि साहिल खान और भरत सिंह वालिया को किस प्रकार से सपोर्ट किया है और किस प्रकार से एक दूसरे बॉडी बिल्डर को बातें कही, ये सब हमने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पास कौन सा ये, साहिल खान की, भरत सिंह वालिया या मनोज पाटिल, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारी तरफ से आप पूछे कि हम किसको सपोर्ट करें, तो हम हमेशा सपोर्ट करेंगे भारत माता की जय प्लस हर हर महादेव, मतलब कि भरत सिंह वालिया। तो दोस्तों भारत माता की जय, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।